हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम पर। लास्ट क्लास में हमने मॉल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया था। होपफुली आप जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करके आए होंगे। अब हम सेकेंड लेक्चर में कुछ अगली चीजों को पढ़ते हैं। जो लास्ट हमने पढ़ा था कि वन मोल का मास जो होता है वो मोलर मास बोला जाता है, या वन मोल एटम का मास जो होगा वो एटॉमिक मास बोला जाएगा। वन मोल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.022 × 10²³ एटम्स। वन मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मास गिवन है तो उससे मोल्स कैसे निकालना है वो भी हमने कैलकुलेट किया था। अगर आपको एटम्स का मास गिवन है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स का मास गिवन है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे, मोल्स ऑफ एटम मिल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आइडल फेज इक्वेशन। तो आइडल केस में हमें पूरा चैप्टर है, हालांकि डिटेल स्टडी हम चैप्टर के अंदर ही करेंगे। हम यहाँ पे केवल गैसेस इक्वेशन को यूज में लेंगे कि आइडल गैस इक्वेशन होती क्या है। तो आइडल गैस इक्वेशन इज PV=nRT। होपफुली आपने ये लास्ट क्लास में P पढ़ा होगा या कहीं पर ये इक्वेशन देखा होगा। तो PV=nRT, इसमें जो P होता है वो प्रेशर ऑफ आइडल गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडल गैस, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो यहां पर हम बात करें P क्या होगा, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, V क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एंड क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, आर क्या होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या होगा टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन केल्विन, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। जब आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, आर और टेम्परेचर पांच चीजें इसमें होती है। अब पहले हम बात करें यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम की, कि प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हमें यहाँ पर गिवन रहता है या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे लेंथ को मेजर करते हैं, आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, डेसीमीटर में भी कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे आप क्या प्रेशर को भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे किलोमीटर और मीटर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, या फुट और इंच के बीच में, या फुट और मीटर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बीच में भी कुछ रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है, राइट। सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर का यूनिट जनरली हम यहाँ पे एटीएम की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम जो होता है वो 760 एमएम ऑफ एचजी के इक्वल होता है। ये होता क्या है एमएम एचजी, उसको हम यहाँ पर आइडल गैस इक्वेशन में, आइडल गैस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 एटीएम 760 एमएमएचजी के बराबर, और 760 टोर के बराबर, और 1.0132 बार के बराबर, और 1.0132 into 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो यहां से हम कंपेयर करें, 1.0132 बार को आपने क्या लिखा, 1.0132 into 10⁵ पास्कल, मींस आप बोल सकते हैं 1 बार का वैल्यू कितना होगा 10⁵ पास्कल के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें, जो वॉल्यूम का आप मेजरमेंट करते हैं जनरली लीटर में करते हैं, और 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 एम
1000 मिलीलीटर के बराबर, राइट। 1 ml का वैल्यू 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आपको किसमें डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, तो यहां पे कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 1000 अपॉन 3 टाइम्स हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इनटू 100 इनटू 100, तो ये सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में, तो यानी ये पे कितना हो जाएगा, 10^6, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10^-3 मीटर क्यूब, राइट। इस मीटर क्यूब को हम डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर किसके बराबर, 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10^-3 इनटू 10 डीएम क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आपको मिल गया, राइट। तो यहां पे 1 लीटर 1000 ml के बराबर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या 10^-3 मीटर क्यूब के बराबर, या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे टेंपरेचर का, कि टेंपरेचर का जो हम यूनिट यहां पे यूज में लेते हैं वो एसआई यूनिट यूज में लिया जाता है, जो कि क्या होता है, केल्विन होता है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर का वैल्यू गिवन है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो क्या रिलेशन होता है, वैल्यू ऑफ टेंपरेचर इन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो 273.15 को आप इजी कैलकुलेशन के लिए 273 भी यूज में ले लेते हैं। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो इसका मींस केल्विन में वैल्यू कितना होगा, 273 केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मींस क्या होगा, 273 केल्विन, राइट। मैं भी आपको यहां पर फारेनहाइट में वैल्यू गिवन हो, तो अगर फारेनहाइट में वैल्यू गिवन है तो उसको भी आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, तो इस रिलेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मोल्स का, मोल्स का कैलकुलेशन हमने देख लिया है, मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर मास गिवन है तो एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और अगर यहां पे आपको नंबर गिवन है तो उसको एनए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, आर का जनरली हम यहां पे 3 डिफरेंट वैल्यू यूज में लेते हैं जो हमें कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड रहता है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इक्वल टू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, जिसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए 25/3 भी यूज में ले लेते हैं, और 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, जिसको इजी कैलकुलेशन के लिए 1/12 भी यूज में ले लेते हैं, और 1.98 और एप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो ये 3 वैल्यू आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि कौन सी वैल्यू हम यूज में ले। सबसे पहले तो आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, अब कौन सा वैल्यू यूज में लेना है वो आपको बता देते हैं, बहुत इजी कांसेप्ट है यहां पर, कि अगर आपको प्रेशर का यूनिट पता हो और वॉल्यूम का यूनिट पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आर का कौन सा वैल्यू यूज में लेना है। तो आइडल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NRT में अगर प्रेशर आपको SI यूनिट में गिवन है, सपोज आपको पास्कल में गिवन है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये SI यूनिट है तो वॉल्यूम का भी आप कौन सा यूनिट यूज में लेंगे, SI यूनिट मीटर क्यूब, या फिजिक्स में पढ़ेंगे कि SI यूनिट क्या है। सो प्रेशर का अगर SI यूनिट है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूब, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, SI यूनिट में होगा, तो R का यूनिट भी क्या लेंगे आप, SI में मीन जूल पर केल्विन पर मोल में यूज में लेंगे, तो यानी आर का वैल्यू यहां पर क्या यूज में लेना है, 8.31 या 25/3, राइट। अगर आपको प्रेशर गिवन है एटीएम में और वॉल्यूम गिवन है लीटर में, तो आप आर का वैल्यू कौन सा यूज में लेंगे, यहां पे वही जिसमें एटीएम और लीटर आ रहा हो, मीन लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला यूनिट यूज में लेंगे, यानी 0.0821 यानी 1/12 वैल्यू इसमें यूज में लेंगे। अगर आपको प्रेशर टोर में गिवन है तो आप उसको एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको अभी हमने पहले यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखा है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का, क्या होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस,
एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हम यहां पर सिमिलर वॉल्यूम और सिमिलर टेंपरेचर के अकॉर्डिंग बात करें, सॉरी सिमिलर प्रेशर और सिमिलर टेंपरेचर के अकॉर्डिंग बात करें, कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैस का प्रेशर सेम रख रहे हैं, टेंपरेचर सेम रख रहे हैं, तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं कि हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, PV इक्वल टू nR, क्या स्टेटमेंट दिया है हमने, फॉर सिमिलर प्रेशर एंड सिमिलर टेंपरेचर, फॉर सिमिलर प्रेशर एंड सिमिलर टेंपरेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फॉर सिमिलर प्रेशर एंड टेंपरेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। हम यहां पे मोल्स या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम्स के लिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट। तो अगर इक्वल सिमिलर प्रेशर है, सिमिलर टेंपरेचर है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, मोल्स पर। तो अगर हम डिफरेंट वॉल्यूम की बात करें v1 और v2 का, तो उसमें मोल्स का रेशियो क्या होगा, n1 एंड n2। अगर यहां पर v1 और v2 बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो n1 और n2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी मोल्स इक्वल होंगे। अगर मोल्स इक्वल हैं तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय na, तो दोनों ये दोनों सिमिलर है, दोनों में na का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू सिमिलर आएगी, राइट। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पे प्रेशर टेंपरेचर सेम है तो सिमिलर वॉल्यूम क्या करेगा, सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम एटम के लिए नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, कि सपोज आपको गिवन है हीलियम गैस या O2 गैस या O3 गैस, यहां पे अगर मैं बात करूं 1 मोल में 1 मोल एटम, 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, बट यहां पे इनका एटोमिसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हुए भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इनके डिफरेंट होंगे। देख लेते हैं कि अगर यहां पे ये 1 मोल गिवन है, ये भी 1 मोल गिवन है, ये भी 1 मोल गिवन है, राइट। Na से मल्टीप्लाई करें तो Na एटम्स होगा, ये Na मॉलिक्यूल्स होगा, ये Na मॉलिक्यूल्स होगा, यहां पे ये इसका एटोमिसिटी 1 है, तो इसमें Na एटम नहीं रहने वाला है, इसमें क्या है एटोमिसिटी 2 है, तो ये कितना होगा 2Na एटम, इसका एटोमिसिटी 3 है, तो ये क्या होगा 3Na एटम, राइट। तो यहां पे स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए है, मोल्स के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, एटम्स के लिए स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर एसटीपी कंडीशन। क्या होती है एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं एसटीपी कंडीशन, क्या होता है एसटीपी पे टेम्परेचर होता है कितना 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर होता है 1 atm के इक्वल, राइट। तो एसटीपी कंडीशन पूछा जाए तो प्रेशर कितना होगा 1 atm, टेंपरेचर कितना होगा 273.15 केल्विन के इक्वल। तो अगर हम यहां पे बात करें फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, तो एसटीपी पे आपको प्रेशर पता है, एसटीपी पर आपको टेंपरेचर पता है, तो PV इक्वल टू nRT के इक्वल आपको यहां पे प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं 1 मोल, टेंपरेचर आपको पता है, तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं nRT / P के अकॉर्डिंग। तो n कितना लिया आपने 1 मोल, r का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज़ प्रेशर किसमें atm में, तो r का वैल्यू क्या होगा 0.0821, टेंपरेचर कितना है 273.15 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm, तो यहां पे 0.0821 × 273.15, यानी यहां पे क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम का वैल्यू 22.5
4 लीटर। तो स्टेटमेंट क्या है, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडल गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो क्या होगा, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडल गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। अब कोई सा भी गैस हो, सभी तरह का गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, राइट, क्लियर है। एसटीपी पर 1 मोल ऑफ आइडल गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, सभी तरह का गैस, डिपेंड नहीं करता एटॉमिसिटी क्या है, हम सभी तरह की गैस की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और टेम्परेचर आपको गिवन होता है, एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर होता है 298 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 bar इक्वल, बट इसका बहुत ज्यादा यूज हम करते नहीं है, हमें जो भी मैक्सिमम कैलकुलेशन करनी है जब तक स्पेसिफाई नहीं हो हम सारी की सारी एसटीपी कंडीशन पर ही करते हैं। तो एसएटीपी पर जो वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस होता है एट एसएटीपी, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, एट एसएटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 24.8 लीटर के इक्वल, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग। तो एसएटीपी पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 24.8 लीटर के अप्रोक्स होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास मोल वॉल्यूम एंड मोल नंबर, राइट। यस, हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालना है, अगर नंबर गिवन है तो मोल्स कैसे निकालना है, राइट। तो पहले तो हम बात करें मोल्स, अगर मास गिवन है तो मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, अगर एटम है तो एटम्स का मास, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल से तो मोलर मास आ जाएगा। तो यहां से आप मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, हम नंबर ऑफ नंबर्स के बेसिस पर मोल्स क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, अगर एटम्स है तो एटम्स के मोल मिलेंगे और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के मोल्स मिलेंगे। इसके अलावा हमने निकाला है एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो सपोज आपको गिवन है एट एसटीपी 5.6 लीटर CO2 गैस, तो इसके कितने मोल्स होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एसटीपी पर आपको बोला है 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, तो इतने लीटर में कितना मोल्स होगा वो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। सिंस एट एसटीपी 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, सो 1 लीटर कितना होगा 1 अपॉन 22.4 मोल, एंड 5.6 लीटर कितना होगा 5.6 अपॉन 22.4 मींस 1/4 मोल, राइट। तो अगर एसटीपी पर आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो वॉल्यूम गिवन है उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। तो एक तीसरा तरीका हमारे पास मोल्स का कैलकुलेशन का है कि अगर आपको मोल्स निकालना है तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो इन तीन तरीकों से आप मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मास गिवन है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, और अगर आपको मोलर मास गिवन, सॉरी, अगर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल गिवन है तो एनए से डिवाइड कीजिए, और अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन है तो उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है
22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल रिलेशन हम यहां पे निकाल रहे हैं, अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको मास निकालना है, सपोज आपको नंबर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है एंड मास, ये तीन चीजें हम यहां पर देखते हैं कि अगर आपको मोल्स गिवन है और नंबर का कैलकुलेशन करना है, मोल्स गिवन है और नंबर का कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n, और अगर नंबर गिवन है और मोल्स का कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय n है, तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं, अगर आपको मोल्स गिवन और वॉल्यूम निकालना है, मोल्स गिवन और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वॉल्यूम गिवन है और मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मोल्स गिवन है और मास निकालना है तो एटॉमिक मास है, मोलर मास, जो भी जैसी भी स्पीशीज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मोल्स गिवन है मास निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक और मोलर मास, और अगर मास गिवन है और मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक और क्लियर। होपफुली ये रिलेशन आपको क्लियर होंगे। अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस का देखिएगा। तो क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं, आप पहले इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे नंबर ऑफ मोल्स का आप कैलकुलेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिएगा आपके आंसर्स कितने सही हैं। तो ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है आपको 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एटम, एटम्स का मास गिवन है, तो अगर आपको एटम का मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 2 मोल एल्युमिनियम एटम, राइट। सेकंड गिवन है 54 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो अगेन मास गिवन है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होगा 16 + 2 = 18 ग्राम, 54 अपॉन 18 तो कितना मिल जाएगा 3 मोल H2O मॉलिक्यूल, राइट। थर्ड गिवन है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, अगेन मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास 196 अपॉन मोलर मास कितना होगा इसका 98 ग्राम, तो कितना मिल जाएगा 2 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल, राइट। फोर्थ गिवन है 440 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो मोल्स कितना होगा यहां पे, मास 440 अपॉन मोलर मास CO2 का कितना 44, तो कितना मिल जाएगा 10 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। नेक्स्ट गिवन है आपको ए नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स से आपको क्या करना है, मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n है, तो कितना 1.5055 × 10^20 अपॉन 6.022 × 10^23, तो कैलकुलेट कीजिए 10^3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4, तो कितना बनेगा 1/4 × 10^3 मोल ऑफ सल्फर एटम, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 16.8 लीटर ऑफ SO2 गैस, तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा यहाँ पे, मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 16.8 अपॉन 22.4 लीटर, तो कितना होगा 3/4 मींस 0.75 मोल ऑफ SO2 गैस, राइट। नेक्स्ट गिवन है 2 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन, तो Mg2+ आयन की आपको 2 ग्राम गिवन है। अच्छा, इससे पहले आपको बताया था अगर आपको 1 मोल है या 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है या 1 ग्राम आयंस है, तो यहाँ पे 2 ग्राम आयंस नहीं है, ये 2 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, ये 2 ग्राम क्या है, मास ऑफ Mg2+ आयन है, तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने होंगे, मास गिवन है आपको 2 ग्राम, मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ Mg2+। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर किसी एटम के मास की बात करेंगे तो वो किसका मास होता है, उसके न्यूक्लियन का ही मास होता है,
मास में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के तो इसके मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक मास होगा वही इस आयन का मास होगा। तो इसका मास कितना होगा 24 ग्राम, तो ये कितना मिल जाएगा 1/12 मोल ऑफ Mg2+ आयन। क्लियर? तो सब्सटेंस गिवन है, इनका आपको मास बताना है, राइट? तो देखिए कैसे मास कैलकुलेट करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व होता नहीं होता। चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा, देखते हैं क्या क्या आंसर है। गिवन आपको 2 मोल लिखे, तो आपको मोल गिवन है, तो क्या रिलेशन निकाला है आपको, मास निकालना है, तो मोल से आप कैसे मास निकालेंगे, मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, अगर मॉलिक्यूलर सब स्पीशीज है तो मोलर मास, और अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटॉमिक मास। मास निकालना है तो मोल्स को क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हैं मोल्स यहां पर, 2 मोल ऑफ मीथेन इनटू मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा, 12+4 मीन 16, तो ये कितना होगा 32 ग्राम ऑफ मीथेन। सिमिलरली इधर आपको 5 मोल का मास पूछा गया है, तो अगेन मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास, कितना मोल्स है 5 मोल ऑफ SO3 इनटू मोलर मास कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन डाइल्यूट मास होता है 16 48 प्लस 32 80, तो मिल जाएगा 400 ग्राम, राइट? नेक्स्ट गिवन है आपको 3 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ O3, अगेन मोल्स गिवन है, मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, सो मोल्स कितना है आपके पास 2, मोलर मास कितना है इसका 48, तो कितना मिल जाएगा 96 ग्राम। नेक्स्ट गिवन है 2 मोल ऑफ O2, अगेन मोल्स गिवन है, मास निकालना है, तो मास कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास कितना 32, तो कितना 64 ग्राम, राइट? नेक्स्ट 2 मोल ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, तो मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, एटम एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना होगा 32 ग्राम। नेक्स्ट क्या होगा इसका मास, अगेन 2 मोल ऑक्सीजन, अब यहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एटम है या मॉलिक्यूल है, तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो एक्चुअल उसका स्टेबल फॉर्म होता है उसी को हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूल, बिकॉज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, तो हम यहां इसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ये 64 ग्राम, राइट? नेक्स्ट यू ने आपको 2 ग्राम आयंस ऑफ Mg2+, अब आपको बता रहे ग्राम आयंस का मींस क्या है, यहां पर मोल, तो मींस आपको 2 मोल ऑफ Mg2+ गिवन है, मास आपको निकालना है, तो मोल्स क्या होगा, मास क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास या एटॉमिक मास, अब Mg में से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो एटम के मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, राइट? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना 24, तो कितना मिल जाएगा आपको 48 ग्राम। क्लियर? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मास का कैलकुलेशन करेंगे, राइट? चलिए सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन आपको कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट गिवन है 2Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अब 2Na मॉलिक्यूल का मींस क्या है, कि हम यहां पे Na मॉलिक्यूल की बात करें तो Na मॉलिक्यूल का मींस क्या है 1 मोल, 2Na मॉलिक्यूल का मींस क्या होगा 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, राइट? अब यहां पे आपको 2 मोल है तो 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास निकालना है, तो अगेन मास आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, CO2 का मोलर मास क्या होगा 44 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 88 ग्राम, राइट? सेकंड गिवन है 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो क्या मास होगा यहां पे, अगेन 5 मॉलिक्यूल की बात की है तो हमें किसका मास निकालना है, केवल मॉलिक्यूल का, मोल्स का मास निकालना नहीं है, हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, एक मॉलिक्यूल का मास, राइट? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, CO2 में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं 44 न्यूक्लियस, तो कितना होगा ये 44 AMU, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। देन मास ऑफ फाइव
24 mu और 220 इनटू 1.66 इनटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम. सो दिस इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 राइट. नेक्स्ट यूनिट आपको 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम. अच्छा यहां पे ग्राम में पूछा है, यहां पे ये मास बात की तो ये mu में मास है, यहां पर ये जो मास मिल गया आपको CO2 का किसमें है, ग्राम में. आपको mu में पूछा था तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 * 44 मींस 220 mu. यहां पर ग्राम में पूछा है तो क्या करेंगे, mu का वैल्यू आप प्लेस कर लेंगे तो आपको CO2 का मास इन ग्राम मिल जाएगा राइट. नेक्स्ट गिवन है आपको 2Na एटम. सो 2Na का मींस क्या हो गया, यहां पे 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो 1 मोल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम. ग्राम एटॉमिक मास हमने निकाला हुआ है, तो 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम होगा. तो 2 मोल एटम का मास कितना होगा, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम. क्लियर, होपफुली कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी. चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. यस क्वेश्चन गिवन आपको, मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट जेड इज 2.25 ग्राम, देन कैलकुलेट मास ऑफ अ एटम ऑफ जेड. तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं किया राइट. सो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा. गिवन है आपको मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एलिमेंट जेड कितना है, 2.25 ग्राम. सो यहां से मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट जेड का मास निकाल सकते हैं कितना, 2.25 अपॉन 0.25, तो कितना आ रहा है, 9 ग्राम. मींस 1 मोल जेड एलिमेंट का मास कितना है, 9 ग्राम. तो यहां से आपको 1 मोल का मास मिल गया. 1 मोल का मींस आप क्या कर सकते हैं, 1 मोल का मीनिंग क्या होगा, Na मॉलिक्यूल यानी Na एटम ऑफ जेड, यानी क्या आप बोल सकते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 एटम ऑफ जेड राइट. तो 6.022 into 10 raised to power 23 एटम ऑफ जेड का मास कितना है, 9 ग्राम. तो एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ जेड कितना होगा, 9 अपॉन 6.022 into 10 raised to power 23. 1 upon 6.022 into 10 to power 23 को आप क्या ले सकते हैं, आपको डाटा Na into AMU का वैल्यू कितना होता है, 1 ग्राम राइट. तो यहां पर Na का वैल्यू क्या होगा, 1 upon 1.66 into 10 raised to power minus 24. ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा. तो Na को आप क्या ले सकते हो, 1 upon 1.66 into 10 to power minus 24 या फिर 1.66 into 10 to power minus 24 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 upon n की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, तो ये 1 upon n ही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 into 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा. इसका यूनिट तो ग्राम था ही. क्लियर है इतना, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, व्हिच इज लीस्ट मास, सबसे कम मास किसका होगा. चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम लीस्ट मास किसका होगा. तो यानी मास कैलकुलेट करना है, सभी का मास कितना कितना वो देख लें. तो गिवन है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यानी 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मींस क्या होगा, यहां पे मोल्स. तो मींस कितना मोल गिवन है आपको CO2 का, 2 मोल. तो अगर मोल्स गिवन है तो आप मास निकाल सकते हैं. तो मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास के अकॉर्डिंग मोल्स कितना है, 2 मोल. मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44. तो ये कितना होगा, 88 ग्राम राइट. सेकंड गिवन है 3 मोल ऑफ यूरिया, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. यूरिया का क्या फार्मूला होता है, NH2CO NH2. इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम. 1 मोल का मास कितना होता है, 60 ग्राम. तो यहां से आपको मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो मास ऑफ 3 मोल ऑफ यूरिया कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कितना मींस 180 ग्राम ऑफ यूरिया यहां पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट गिवन है आपको 1.2044 into 10 to power 24 molecule of acetic acid. तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें कितने number of moles हैं, या आप चाहें तो number of molecule के according भी calculate कर सकते हैं. पहले यहाँ पे moles निकाल लें, इसमें कितना moles आपको मिलेगा, moles आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर number of molecule आपको given है, number of molecule upon Avogadro number. समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कीजिएगा, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10
से लगाएंगे तो कितना जाएगा 2 मोल। तो मींस आपको कितने मोल का मान बताना है, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होपफुली आपको क्लियर होगा, क्या होता है CH3COOH, इसका मोलर मास कितना, मोलर मास निकालिए कितना आएगा 12 + 4 + 12 + 32 60 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का मास कितना होता है 60 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का मास 60 ग्राम है, तो 2 मोल का मास क्या होगा, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास के अकॉर्डिंग कितना 120 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट आपको गिवन है 80 ग्राम ऑफ CaCl3, इसका मास तो गिवन है आपको 80 ग्राम। तो आपको यहां पे गिवन था कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 2 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो गया आपको 88, 3 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का एटम मास कितना था 60, तो 3 मोल का मास कितना आ गया आपको 180 ग्राम। यहां पे कितना है 1.204 मींस कितना 2 मोल मिल गया, 1 मोल का मास 60 ग्राम है तो 2 का कितना 120 और यहां पे कितना 80। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए कि यहां पे किसका मास कम है किसका ज्यादा, तो इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मास किसका है यहां पर, यूरिया का, तो यूरिया का मास सबसे ज्यादा होगा जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाले का मास सबसे ज्यादा होगा, देन फिर थर्ड वाले का मास, देन फिर फर्स्ट एंड देन फिर फोर्थ। क्लियर। तो यहां से आप क्या मिल जाएंगे, मास को कंपेयर कर सकते हैं मोल्स के थ्रू या मॉलिक्यूल के नंबर के बेसिस पर। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन आपको हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। तो आपको नंबर ऑफ ग्राम भी, मास भी गिवन है और ग्राम एटम भी आपको गिवन है, तो बताना है कि कितने यहां पर मोल्स आप कॉपर नाइट्रेट के बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब आप कॉपर का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉपर से क्या बन रहा होगा, कॉपर नाइट्रेट, जब ये नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो फाइनली यहां पे क्या बन रहा होगा, कॉपर नाइट्रेट, राइट। तो अभी हम यहां पे बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास हमेशा कंजर्व रहता है, कि अगर हम कॉपर नाइट्रेट के अंदर बात करें कि अगर ये 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट है तो 1 मोल के अंदर कितना कॉपर आपको नजर आ रहा है, 1 ही कॉपर आ रहा है। अगर ये इसको ऐसा बोल दें कि ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में कितना कॉपर एटम है, 1, तो यहां पे कितना कॉपर एटम लिया होगा हमने, 1 एटम, राइट। अगर ये 1 मोल कंपाउंड है तो 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितना कॉपर है, 1 मोल की है, तो मींस यहां पे हमने कितना कॉपर लिया होगा, 1 मोल कॉपर, राइट। अब आपको गिवन है कि हमने फर्स्ट ऑप्शन उसमें आपको गिवन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर एटम, तो 1 ग्राम हमने मास ले रखा है। तो अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मोल्स क्या होगा, मास बाय मोलर मास। अगर एटम गिवन है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मोलर मास। तो कितना मास गिवन है आपको, 1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना 63.5, मींस यहां पे हमने कितना कॉपर लिया है, 1/63.5 मोल। तो अब यहां से मिनिट्री में से लगा सकते हैं कि अगर 1 मोल से 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है तो इतने मोल से कितना बनेगा, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, बाय 1/63.5 मोल ऑफ कॉपर 1/63.5 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट फॉर्म, राइट। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे मिलेगा 0.0157 अप्रोक्स मोल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। सेकंड आपको गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, तो 1 ग्राम एटम का मींस क्या है, 1 ग्राम एटम का मींस क्या है, 1 मोल ही है, कि मींस आपको कितना मोल ऑफ कॉपर गिवन है, 1 मोल कॉपर। तो यहां से क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 मोल कॉपर एटम कितना बन रहा है यहां पे, 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट फॉर्म। क्लियर है, होपफुली सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 केजी होगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। तो पहले हम यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है यहां
वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो यहां से अगर हम बात करें कि 9.1 × 10⁻³⁻³ kg में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाते हैं तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको किसी कंपोनेंट के या किसी पर्टिकुलर चीज के आपको नंबर गिवन है और उससे मोल्स निकालने, तो आप क्या करते हैं उसको नंबर ऑफ एनएस, नंबर एनएस से डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर आपको एक केजी में कितना इलेक्ट्रॉन पता है, वो पता कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पता लगता है, तो आप यहां से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देख लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस इन 9.1 × 10⁻³⁻³ kg 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इतने केजी में एक इलेक्ट्रॉन है, सो 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इन 1 केजी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1/9.1 × 10⁻³⁻³ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ये आपको पता लगा। अब सेकंड हम क्या बोलेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है या स्पीशीज के नंबर पता है, तो वहां से आप मोल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय एनए। सिंपल यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, सिंस 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल, देन 1 इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा, 1/6.022 × 10⁻²³ मोल, और कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1/9.1 × 10⁻³⁻³ इलेक्ट्रॉन, कितना मोल होगा, 1/6.022 × 10⁻²³⁻³ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स वैल्यू 1.82 × 10⁻⁶ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन रहा है कि अगर आपको यहाँ पे मोल्स पूछा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन था वो कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो उसको आप क्या करेंगे, एनए से डिवाइड करके मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन गिवन आपको, कैलकुलेट वेट ऑफ 2 × 10⁻²⁰ एटम्स ऑफ कैल्शियम, इतने एटम्स कैल्शियम एटम का आपको मास बताना है, राइट। तो हम बात करें यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास कितना होता है, यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना, 40 ग्राम, यानी 1 मोल कैल्शियम एटम का मास कितना होता है, 40 ग्राम। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻²⁰ एटम, तो इतने एटम का मास आपको कितना गिवन है, 40 ग्राम। तो इतने का मास कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं, सिंस 6.022 × 10⁻²⁰ एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, सो 1 एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा, 40/6.022 × 10⁻²⁰ ग्राम। सो आपको कितने का पूछा है, 2 × 10⁻²⁰ एटम्स ऑफ कैल्शियम, इसका मास कितना होगा, 40/6.022 × 10⁻²⁰ × 2 × 10⁻²⁰, तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये अप्रोक्स इसका 3 टाइम्स हम कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 10⁻²⁰ ये कितना होगा, 1000, तो कितना होगा, 4/300 ग्राम। तो इतना मास ऑफ कैल्शियम एटम, इतने नंबर ऑफ, इतना मास ऑफ कैल्शियम इतने नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट होगा, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, और ये आपने सॉल्व किया होगा, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। कि पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
न्यूटन कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 कूलोम। आपको कितने पे पूछा गया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, यूनिटी मेथड सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 23 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा 96500 कूलम के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 फेराडे भी बोला जाता है। व्हाट इज द 1 फेराडे, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 फेराडे के इक्वल और 96500 कूलॉम के इक्वल। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू बिल्कुल आपको पक्के से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। गिवन है आपको क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ Mg2+ आयन्स, राइट? वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, होपफुली सॉल्व किया होगा आपने। गिवन आपको 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो पहले मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम आयन कैसे बना होगा, जब मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ही यहाँ पे Mg2+ आयन बना होगा। तो अगर ये एक मैग्नीशियम एटम है तो एक Mg2+ आयन बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ जाएगा, राइट? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले तो यानी दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज इस Mg2+ पर आ जाएगा। तो अगर ये 1 एटम है तो ये कितना आयन होगा, 1 आयन, और ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल ऑफ Mg2+ है, सॉरी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम है तो ये कितने आयन बनेंगे, 1 मोल ऑफ आयन, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या होगा, Mg2+ पे। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, 2+, वो 2+ चार्ज किसकी वजह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Mg2+ इक्वल टू 2 फेराडे, बिकॉज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर, 1 फेराडे के बराबर। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 2 फेराडे के बराबर। क्लियर है? आपको पूछा कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ Mg2+ कितना होगा, 4 फेराडे, मींस 4 इनटू 96500 कूलॉम के इक्वल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। गिवन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+ एंड सेकेंड 1 ग्राम ऑफ Al3+ आयन, ठीक है? अब चाहे क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया हो कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ये दोनों चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं कि इनका मीनिंग होता क्या है, ठीक है? तो आपको चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन का मींस क्या है, 1 मोल ऑफ Al3+, और यहाँ पे 1 ग्राम का मींस क्या है, ये सिंपली किसको बता रहा है, मास को बता रहा है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी से सॉल्व कीजिए फुर्ती से, शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो गिवन आपको 1 मोल ऑफ Al3+, अब यहाँ पे Al3+ के फॉर्मेशन की बात करें तो Al से जब यहाँ पर Al3+ बन रहा होगा तो
तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 1 एटम है तो एक आयन बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल के साथ 1 मोल ऑफ H3+ बनेगा और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, इससे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पे चार्ज किसकी वजह से आया होगा, इन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Al3+ इज ड्यू टू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 फैराडे। और इस पर चार्ज किसकी वजह से, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1 मोल ऑफ Al3+ यानी 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+ पे कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे के बराबर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है 1 ग्राम ऑफ यानी मास के बारे में पूछा है कि 1 ग्राम पे कितना चार्ज होगा Al3+ पे। तो अभी हमने यहां से निकाला है कि 1 मोल पर कितना चार्ज होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Al3+ इज ड्यू टू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे। तो ये क्या निकला, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Al3+। तो Al3+ पे 1 मोल ऑफ Al3+ पे कितना चार्ज है, 3 फैराडे। तो यहां से हमें देखा है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Al3+ कितना है, 3 फैराडे। तो 1 मोल ऑफ Al3+ का मींस क्या है, कितना ग्राम है, 27 ग्राम। आपको 1 ग्राम पे बताना है, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 27 ग्राम ऑफ Al3+ कितना है, 3 फैराडे। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ कितना होगा, 3 फैराडे अपॉन 27 मींस 1/9 फैराडे। क्लियर, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, चेक करते हैं कि कितनों के आंसर सही निकलते हैं। सो गिवन आपको, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ लिक्विड वाटर। तो आपको वाटर गिवन है कितना, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ H2 आपको गिवन है कितना, 100 ml। तो यहां पे ये ध्यान रखिए कि यहां पे आपको जो वॉल्यूम है वो किसका गिवन है, लिक्विड वाटर का, राइट। तो ये गैस नहीं है, सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए कि ये गैस नहीं है। तो आप इस पे जो मोल्स आप निकालते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ये कांसेप्ट इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो हमने यहां पे बताया था वॉल्यूम ऑफ गैस को, एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाता है। तो ये कांसेप्ट किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं था। तो ये वाला कांसेप्ट आप यहां पर नहीं लगाएंगे फॉर मोल्स कैलकुलेशन, ठीक है। आपको लिक्विड वाटर का डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम गिवन है 100 ml, इसका डेंसिटी कितना गिवन है आपको, 0.9 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। से आप क्या कर सकते हैं, यहां से मास निकाल सकते हैं। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है 0.9, वॉल्यूम गिवन है 100 ml, तो कितना होगा, 90 ग्राम। सो यहां पे वाटर कितना गिवन है आपको, 90 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। तो अब यहां पे आपको वाटर का मास मिल गया, अगर आपको मास पता है तो मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो मोल्स क्या होगा यहां पर, गिवन मास अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। अब जो वाटर है वो क्या है, मॉलिक्यूल, तो क्या लेंगे हम, मोलर मास। तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको, 90 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम, 16 + 2 = 18, तो कितना हो जाएगा ये, 5 मोल ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर के आपको 5 मोल्स यहां पर गिवन है। अब बाकी कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इजी है। आपको पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है सिंस इन 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर, इतना क्लियर है। सेकंड आपको गिवन है यहां पर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड हाइड्रोजन एटम की बात करें, अब हमें पता
वाटर में कितना एटम प्रेजेंट है? टू एटम। तो जितना मॉलिक्यूल है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर एक मॉलिक्यूल में टू एटम है तो फाइव एटम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, यूनिटरी मेथड हम लगा लें। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हाउ मेनी एटम, टू एटम्स, सो 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा, 2 इनटू 5Na मींस कितना होगा 10Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल की बात करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना एटम होता है, वन ऑक्सीजन एटम, तो हम यहां पे बोल सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर इक्वल टू वन एटम। सो कितना मॉलिक्यूल है आपके पास, 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर कितना होगा, 5Na ऑक्सीजन एटम। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, टोटल 3, तो 5Na में कितने होंगे वो भी आप इसे निकाल सकते हैं। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर इक्वल टू कितना है यहां पे 3 एटम्स, सो 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर कितना होगा, 3 इंटू 5Na मींस कितना होगा 15Na एटम्स। क्लियर है। आप इन दोनों का सम कर देते तो भी आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो अभी हम पहले एक मॉलिक्यूल की बात करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें यह तो पता है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले बात करें इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो में कितना 2, प्लस ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना होता है 8, तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या यूनिटरी मेथड होगा फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना मॉलिक्यूल आपको गिवन है 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा 10 इंटू 5Na मींस कितना होगा 50Na इलेक्ट्रॉन्स। राइट, क्लियर है, बिल्कुल इजी है कि एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितना था इतना, तो यूनिटरी मेथड लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा यहां पर, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन कितना है 2 तो प्रोटॉन भी कितना होगा 2, इलेक्ट्रॉन कितना है 8 तो प्रोटॉन भी कितना होगा 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बिकॉज़ क्यों, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होगा 50Na प्रोटॉन्स। ठीक है, एक लास्ट इसमें हम कैलकुलेट करें यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है, तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, H2O की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर होता है 0, ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है, यहां पे अगर ये ऑक्सीजन 6 है तो इसमें कितना होगा 8 न्यूट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना न्यूट्रॉन होगा 8 न्यूट्रॉन्स। राइट, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8 न्यूट्रॉन, सो 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर इक्वल टू 8 इंटू 5Na मीन्स कितना होगा 40Na न्यूट्रॉन्स।
सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट के सारे ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको वहां पे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए या चीजों का आपस में लिंक करना आना चाहिए कि वहां पर एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और पूछा क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा, ठीक से सॉल्व कीजिएगा।